हे फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज का टॉपिक है टावर, साउंड वूफर रिपेयर के लिए आया है। टावर एम्पलीफायर भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका हालत ख़राब है। ये इसका मेन बोर्ड है। आइए ओपन करके देखते हैं क्या फॉल्ट है, क्या रिपेयर करना है। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इसके दो चार आईसी जो मेन एम्पलीफिकेशन करने के लिए 30-20 आईसी तो जल चुके थे, यहाँ पर चेंज किया गया है। पूरे पुराने आईसी देख सकते हैं निकाल गया है। आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट का जो आईसी था वो भी जल गया था। सराउंड ऊपर के आईसी वो भी जल गए थे और ये देख सकते बहुत हीट होने के कारण जला है। इसमें मैंने देखा कि हीटिंग पेस्ट नहीं यूज़ किया गया था, इसलिए ये जल चुका है। ये देख सकते हैं ये और ये नया है, ये भी नया, ये पुराना लगा पड़ा है, पुराना जो काउंटर था वही लगा है। आइए इसमें देखते हैं क्या फॉल्ट था। फॉल्ट तो इसका जो ट्रांसफार्मर था वो भी जल चुका था, तो उसको चेंज किया गया। उसके बाद मैंने 14014 ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा था मार्केट में, जो कि यहाँ पर 12012 ट्रांसफार्मर लगाया गया था वो भी जल गया। उसके बाद यहाँ पर 15015 ट्रांसफार्मर मिला, उसको लगाना पड़ा। उसको लगाने पर यहाँ पर यूज़ किया, देखिए यह 15015 ट्रांसफार्मर है, ये अभी मार्केट में लेके आए हैं। ये इसको लगाकर देखते हैं ये हमारा चलता है कि नहीं। पर ये हाई वोल्टेज पर वह करेगा तो चलेगा ही, क्योंकि ये यहाँ पर इसको हाई वोल्टेज ही चाहिए। ग्राउंड ऊपर ज़्यादा वोल्टेज ले रहा है, इसलिए हमारा आईसी दोनों ही चल चुका था। मतलब देख सकते हैं काफ़ी कंपनी का है, दिखाता हूँ। हम भाई बनारस में रहते हैं इसलिए काफ़ी कंपनी का ये हमारा ट्रांसफार्मर है। आइए इसको सोल्डिंग कर कर चेक करते हैं। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. ट्रांसफार्मर के दोनों वायर को निकालने के बाद यहाँ पर सोल्डिंग चढ़ा देना है। यहाँ पर देख सकते हैं निकल कोटिंग का वायर है, यहाँ पर अल्यूमिनियम ना समझिए इसको, निकल कोटिंग का वायर कॉपर में भी आता है। निकल कोटिंग के वायर से हमारा जो कार्बनाइजेशन है वो नहीं होता, इसलिए निकल कोटिंग वायर आते हैं, इसको सेफ्टी के लिए आते हैं। यहाँ पर सोल्डिंग करने के बाद पीसीबी में इसको अच्छी तरीके से ग्राउंड को ध्यान देते ही जोड़े। येलो कलर का जो वायर है वो ग्राउंड है, जो ग्रीन है उसमें 15 वोल्ट आएंगे, ग्राउंड में जो 0 वोल्ट आएंगे, ये हमारा न्यूट्रलाइज करेगा। अगर आप वायर उल्टा जोड़ेंगे तो इससे हमारा हमिंग का आवाज़ आएगा और स्पीकर वगैरह ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, पीसीबी में भी फॉल्ट हो सकते हैं। इसलिए ग्राउंड का वायर ध्यान देकर ही जोड़िए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी हमारा आउटपुट इनपुट वोल्टेज है से जब हाई लो होता है तो वहाँ पर ग्राउंड ही कर लिया जाता है, वो अपने न्यूट्रलाइज कर लेगा आपका पता हो। यहाँ पर देख सकते हैं सोल्डिंग हमारा ओके हो गया। अगर किसी भी में लगातार चेक कर लेते हैं, पहले इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर पीसीबी पे हमारा ट्रांसफार्मर का वायर जो है जुड़ चुका है। आप देख सकते हैं वो ऐसे लगे हैं, जो बीच में है वो ग्राउंड है और साइड में आपका 15 वोल्ट आएगा, वहाँ पर आउटपुट होगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप फिल्टर लगे पड़े हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इसके बाद डिस रेक्टिफायर है, जो डिस रेक्टिफायर डीसी कन्वर्ट करता है, प्लस यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है वो हमारा फिल्टर पर काम करता है। फिर हमारा आपका सर्किट वर्क करता है, सर्किट में डीसी यहाँ पर सप्लाई कर सकता है, यहाँ पर वही वर्क करता है। यहाँ पर देख सकते हैं यूएसबी जो हमारा कनेक्टिविटी सर्किट है उसको भी एक बार चेक कर लेंगे। ऊपर से ही देखेंगे कि पीसीबी में कोई कंप्लेंट वगैरह फॉल्ट नहीं है। अब जला होगा तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम आपके एम्पलीफायर सर्किट से अलग करके भी चेक करेंगे। यहाँ सर्किट को अलग कर देते हैं और इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पर जो देख सकते हैं ये पक्का है, ये फ्लेक्सी आपका वायर कनेक्टिव फ्लेक्सीबल वायर ही है। ये भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, इसमें यही ख़राब था तो ये पुराने डिग्री सर्किट से हमने निकाल के लगाया है, या फिर नहीं रहा था मार्केट में जो पुराना ही यूज़ किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। आप पॉजिटिव नेगेटिव बार कंफर्म करते हैं, बहुत सारे सर्किटों में लिखा होता है पॉजिटिव नेगेटिव, और जिसके सर्किटों में ही लिखा हुआ आप डायरेक्ट पावर बैंक से ही चेक करेंगे तो तुरंत ही पता चल जाएगा। पावर बैंक में सेफ्टी फीचर सर्किट लगे होते हैं, रिवर्स में वो आपका चालू ही नहीं होगा, आपका जो प्लस और माइनस सही पोजीशन पर लगेगा पावर बैंक ऑन हो जाएगा। यहाँ पर हमने बनाकर इसको ऑन किया है, क्योंकि Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. डाउन है और सर्किट हमारा ओके है। उसको हटा के हम पहले तो जो हमारा एम्पलीफायर सर्किट है उसमें हीटिंग पसंद है, हीटिंग लगाने से पहले हमको उसमें
पेस्ट लगाना पड़ेगा, एक्सिंग पेस्ट, जिससे हमारा हीट रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों आईसीयू में एक्सिंग पेस्ट अच्छी तरीके से लगा लें। अगर आपके पास एक्सिंग पेस्ट ना हो तो आप कोलगेट वैसलिन का मिक्स कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, वो भी वर्क करेगा। अगर आपके पास वैसलिन भी नहीं है तो कोलगेट भी काम कर सकता है। और नॉर्मली 50% तक तो आपका एक्सिंग हीट रिड्यूस जो है वो वर्क कर लेगा। यहाँ पर ऐसे जलने के खतरा कम रहेगा। यहाँ पर हमने एक्सिंग कंपाउंड लगा दिया है और जो यहाँ पर सर्किट देखते हैं वही के कारण ब्लैक हो पाया है वहाँ पर भी लगा दीजिए, जिससे कि इंसुलेशन टाइप बना भी रहे और आपका एम्पलीफायर सर्किट अच्छा वर्क करेगा। हीटसिंक कंपाउंड लगाने के बाद हीटसिंक को भी टेस्ट कर देखते हैं। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, प्रॉपर तरीके से इसको चेक करेंगे और सारे सर्किट को लगा के चेक करेंगे यहाँ पर। चलिए आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का सर्किट भी लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ का वॉल्यूम कंट्रोलर सर्किट भी। यहाँ पर किसी भी में बहुत सारे जगह पर आपको लिखा होगा सराउंड ऊपर कहाँ कनेक्ट करना है, लेफ्ट और राइट चैनल के स्पीकर कहाँ कनेक्ट करना है, ये सर्किट में लिखे होंगे। आगे देखिए ये हमारा साउंड का ही स्पीकर है, उसी को चेक करेंगे। ध्यान देने की बात है कि हमेशा साउंड स्पीकर को प्लस माइनस चेक करके ही लगाएं, क्योंकि अगर प्लस माइनस आपका उल्टा होगा तो आपका साउंड भी अच्छा नहीं निकलेगा और साउंड भी ख़राब होगा, उसके साथ एम्पलीफायर भी सर्किट भी ख़राब होगा। इसीलिए चेक कर लें, प्लस माइनस अगर नहीं लिखा हो तो आप डीसी वोल्टेज से चेक कर सकते हैं। अगर प्लस माइनस उल्टा होगा तो प्लस माइनस देने पर जो स्पीकर है हमारा बम्प करेगा, अगर अंदर की तरह बम्प कर रहा है तो वो उल्टा है और बाहर की तरह बम्प कर रहा है तो वो सीधा है। स्पीकर बाहर की तरह बम्प करेगा मतलब उसके जो कोन है वो बाहर निकलेंगे, वो तब सीधा पड़ेगा और प्लस इसी तरीके से पता चलता है स्पीकर में। यहाँ पर सारा कंप्लीट हो चुका है, लेफ्ट राइट सारे सर्किट में लगाकर स्पीकर को चेक कर लेंगे, साउंड ऊपर को भी और यहाँ पर लेफ्ट राइट चैनल को भी। स्पीकर को चेक करने के बाद हम पूरी सर्किट को असेंबल करेंगे। यहाँ पर असेंबल के बाद हम चेक करेंगे हमारा साउंड प्रॉपर कैसे वर्क कर रहा है। जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसमें डीसी वोल्टेज के लिए यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, वाइट कलर का वायर देख सकते हैं, इसमें डीसी वोल्टेज इन कर पर यहाँ पर चेक करेंगे। Yeah.
exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, just note.